नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं आयुष्मान कार्ड के बारे में और ये कार्ड के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और आयुष्मान कार्ड को आप कैसे बना सकते हैं और आप जो है इसमें कैसे इलाज कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला है आयुष्मान भारत, जो कि प्रधानमंत्री की योजना है, जो 2018 में लॉन्च की गई थी, जिसके तहत जो है बहुत ही मध्यम वर्ग के लोग या जिसको राशन मिलती है या कोई विधवा पेंशन है या जो बहुत ही गरीबी रेखा से नीचे बिलोंग करते हैं या ST SC OBC कुछ OBC वालों को भी इसमें जो है पात्रता दी गई है, जिनका जो है आयुष्मान कार्ड के माध्यम से वो किसी भी प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज या ऑपरेशन करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो आयुष्मान भारत है, अभी जो है प्राइवेट हॉस्पिटल, कुछ जो प्राइवेट हॉस्पिटल जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है उसमें भी ये योजना चालू है। इसके अलावा आप आयुष्मान कार्ड को कैसे बना सकते हैं, या तो किसी भी प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल जहां पर रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो किसी इंटरनेट कैफ़े वाले से या जिससे CSC केंद्र वाले से संपर्क कर सकते हैं, या हमारे गांव में एक सचिव होता है, उसके नीचे एक होता है सहायक सचिव, आप उसके द्वारा भी कांटेक्ट करके आयुष्मान कार्ड को आप बना सकते हैं। दोस्तों, आयुष्मान कार्ड जो है कुछ इस तरीके का होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अभी आपको जो है ये फ्रंट कैमरे से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा और कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है टोल फ्री नंबर वगैरह और इनका प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप इसे और जानकारी आप ले सकते हैं या आप हॉस्पिटल्स आप जो है चेक कर सकते हैं या आप हॉस्पिटल की जानकारी आप ले सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि अगर जिस व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है तो उनको या तो प्रतीक्षा करना पड़ेगा, प्रतीक्षा करने कर सकते हैं, और या तो वो जो है नज़दीकी हॉस्पिटल पे वो बार बार अपना जो समग्र आईडी है उसको आप चेक करा के आप अधिक जानकारी आप ले सकते हैं, या तो आप हमें, अगर आप मेरे द्वारा कोई जानकारी चाहिए तो मैं आपको अपना जीमेल अकाउंट दे देता हूँ, वहाँ से आप जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि हम जो है कैसे इसमें जो है ट्रीटमेंट करा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले मेरी मदर है जिनका ऑपरेशन आयुष्मान भारत की कार्ड की तरफ से हुआ है, लेकिन वो प्राइवेट हॉस्पिटल था, मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल कैसे पता करना था ये मुझे नहीं पता था। तो मैंने क्या किया कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे गया जिसमें hospital.pmg.gov/hospital, मतलब इसका एक वेबसाइट है जहाँ पे आप हॉस्पिटल को सर्च कर सकते हैं, जो भी प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ से आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर और मोबाइल नंबर आप ले सकते हैं और वहाँ से आप अपने जो भी पेशेंट है उसको आप जो उसकी रिपोर्ट है उसको आप दिखवा के आप पेशेंट को ले जाके वहाँ पे अपना उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको याद रखना है कि इसमें धोखाधड़ी भी बहुत ज़्यादा होती है। धोखाधड़ी कैसे, जब मैंने इसमें ट्रीटमेंट कराया था तो मुझे भी यहाँ से पैसा मांगा गया था, तो इसमें हो सकता है कि आपको बोला जाएगा कि नहीं, आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपका PMG या स्कीम की तरफ से हो रहा है, लेकिन आपको फिर भी आपको पैसा देना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, गवर्नमेंट पे कोई भी पैसा नहीं लगता, लेकिन प्राइवेट में कुछ कुछ जगह जो है ये मांग सकते हैं, अगर मांगते हैं या कुछ ज़्यादा पैसे की मांग करते हैं तो आप दिए गए पीछे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है आयुष्मान कार्ड जो है के बारे में मैंने आपको बताया कि आयुष्मान कार्ड क्या है और आप जो है इसे कैसे बना सकते हैं, किन किन माध्यमों से बना सकते हैं, या इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आप हॉस्पिटल कैसे सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल या कोई जवाब हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं।